जबकि ग्राम पंचायत कोट अड़ेली और उपरला कोट की ओर से संयुक्त तौर पर 151 छिंज मेले का आयोजन ब्लॉक समिति सदस्य बलकार पठानिया और पूर्ण पठानिया की अध्यक्षता के बीच गांव कोट में किया गया। छिंज मेले में पंजाब, हिमाचल, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के 300 नामी पहलवानों ने कुश्तियों में अपने दाव आजमाए। छिंज मेला में दो महिला पहलवान रितिका और प्रियंका भी पहुंची। रितिका ने राज्य स्तरीय कुश्तियों में 2 सिल्वर 1 गोल्ड मेडल जबकि प्रियंका ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत रखा है। 10,000 कुश्ती लाली पहलवान लुधियाना और मेजर पहलवान डेरा बाबा नानक में हुआ, जिनमें मेजर डेरा बाबा नानक विजय रहे। छोटी माली का मुकाबला मींदा पहलवान चक माधो सिंह और सीपा पहलवान पटियाला के बीच करवाया गया, जिसमें विजेता रहे सीपा पहलवान को छिंज मेला कमेटी आयोजकों ने 21,000 रुपए नगद देकर सम्मानित किया। जबकि बड़ी माली का मुकाबला पम्मा डेरा बाबा नानक और भूपिंदर अजनाला के बीच करवाया गया, जिसमें विजेता भूपिंदर पहलवान अजनाला को आयोजकों द्वारा 31,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रेफरी की भूमिका पम्मी पठानिया ने निभाई। रेफरी अगे बेनती की जाती है कि रेफरी की आवाज वर्गी होनी चाहिए है, जितना आवाज आकाश तो सप नू लै जांदा है, खरगोश नू लै जांदा है, चूहे नू लै जांदा है। अज पिंड कोट के जो जंगल हो रहा बहुत प्राचीन है, हजार साल तो जी परंपरा लोगों की, असी आस करते हैं सारे इलाके निवासियों तो इदा की जी परंपरा कैम रहे और बहुत ज़्यादा जेडे हिमाचल पंजाब हरियाणे के जेडे सारे जो पहलवान आए हैं, असी सारियां बेनती करते हैं भी वधिया कुश्तियां हो रही ने, बहुत बड़े बड़े जो पहलवान आए हैं, असी यह भी आस करते हैं भी जेडे पंजाब के नौजवान ने वो खास करके नशे को त्याग के अपने सेहतों वाल ध्यान रखन, और साड़ी कमेटी वालों जड़ा 31,000 का अभी बड़ी माली रखी है, छोटी माली जी 21,000 की रखी है, और बहुत कांडे की टक्कर जी हो रही है, और इतिहासिक जी इस पिंड की जी इतिहासिक दंगल है, आप चाहते हैं इनू हमेशा कामयाब रहे और कामयाब होए, और मैं सारे दर्शकों बेनती करना बड़े प्यार से देखो और बहुत वजी कुश्तियाँ हो रही और
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਜਨੀਸ਼ ਕਾਲੂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।